हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे गार्लिक मशरूम। ये जो एक स्टार्टर के रूप में आप इसे बना सकते हैं, ये सिर्फ 5 मिनट में ही बन जाती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे सिर्फ घर के चीज़ों से ही आज हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं डाल ले हूँ 200 ग्राम मशरूम। पहले इसे अच्छे से धो ले और इसका सारा पानी जब निकल जाए तो इसे पंखे के सामने 10 से 15 मिनट के लिए रखें, जिससे अच्छे से ड्राई हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह दो दो टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि ये पकने के बाद में बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े मशरूम है तो आप उसे 4 टुकड़े कर सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे मशरूम को कट कर लेंगे। यहाँ हमने सारे मशरूम को कट कर लिए हैं। यहाँ लूँगी एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और साथ में डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। अगर घी के जगह आपके पास बटर है तो आप बटर डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ इसे बटर में भी बना सकते हैं, पर मेरे पास बटर नहीं था तो मैं बटर के जगह यहाँ पे घी डाल दी हूँ। और इसे अच्छे से इस तरह फैला लेंगे पैन में। और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ लहसुन। हमें लहसुन को पकाना नहीं है पहले। साथ में यहाँ पर हम डाल देंगे हरी मिर्च और मशरूम को भी डाल देंगे। अगर आप लहसुन को पहले से ही पका लेते हैं तो जब मशरूम को हम भूनते हैं तो लहसुन काला हो जाता है, इसीलिए हम लहसुन और मशरूम को एक साथ डालेंगे। साथ में यहाँ पे हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि मशरूम गलने के बाद में बहुत थोड़ा हो जाता है, तो अगर आप ज़्यादा नमक डाल देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा, इसीलिए इसमें आधी छोटी चम्मच से भी कम नमक डालें। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे हम इसी तरह भूनेंगे। इसे हर आधे से 1 मिनट के बीच में चलाएँगे। यहाँ डाल देंगे हम आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे हमें कवर नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और क्रंचीनेस नहीं रहेगा इसमें। आप देख सकते हैं हमारा मशरूम जो है गल चुका है और कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह हमें इसे पकाना है और थोड़ी देर के लिए। यहाँ मशरूम जो है हमारा अच्छे से पक चुका है और आप देख सकते हैं इस तरह इसमें जो है क्रंचीनेस भी स्टार्ट हो चुका है आने। तो इसे हम और बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डालें। यहाँ आधी छोटी चम्मच विनेगर डालेंगे। विनेगर की जगह आप नींबू का भी यूज कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा चटपटा लगता है। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। आप देख सकते हैं सारे मशरूम में कितने अच्छे कलर आ रहे हैं। मशरूम को हमने टोटल 4 मिनट अभी तक पकाए हैं। आप देख सकते हैं मशरूम हमारा पक चुका है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबको मिक्स कर लेंगे। हमने इसे टोटल लो मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पकाया है और हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ हमारा गार्लिक मशरूम तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें और अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।